इन दिनों आप कंबल वाले बाबा का नाम खूब सुन रहे होंगे। साथ ही बाबा जिस तरीके से लोगों की बीमारी दूर करते हैं वो उन्होंने और भी ज्यादा उन्हें चर्चा में यहां पर ला रहे हैं। लेकिन क्या आस्था और अंधविश्वास के बीच में चमत्कार भी होता है, यही देखने के लिए हम बाबा से मिलने के लिए पहुंचे। यहां पर हजारों की संख्या में लोग अपनी तकलीफ लेकर वहां पहुंचे हुए थे और वहां पर हमें क्या दिखा और क्या लोगों ने कहा, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दवा नहीं तो दुआ करेगी असर, अंधविश्वास या फिर चमत्कार, कंबल से मरीज को ठीक करने का दावा। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। कंबल वाले बाबा की कहानी, भारत आस्थाओं का देश है। यहाँ अगर दवा असर ना करे तो लोग दुआ पर भरोसा करते हैं। अंधविश्वास या फिर चमत्कार की ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जहाँ दावा किया जा रहा है कि सिर्फ मरीज पर कंबल भर फेर देने से मरीज ठीक हो जाते हैं। ये स्थान है राजसमंद जिले में स्थित कुवारिया थाना इलाके के फियावड़ी में, जहां कंबल वाले बाबा उर्फ गणेश भाई अपने चमत्कारी कंबल से लोगों के उपचार करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन क्या कंबल भर फेर देने से मरीज की बीमारी ठीक हो जाएगी, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। और इसकी ही जांच पड़ताल करने के लिए हम उसी स्थान पर पहुंचे जहां कंबल वाले बाबा लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। मौके पर पहुंचकर हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग बाबा के पास इलाज कराने पहुंचे हैं। हाईवे के पास स्थित फियावड़ी के रोड किनारे एकांत जगह यानी खेत में अलग अलग टुकड़ों में शिविर लगा हुआ है। जब हमने बाबा से बात की तो उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा और राजस्थान में शिविर लगा चुका हूँ। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं राजसमंद जिले के कुवारिया इलाके में, जहां पर कंबल वाले बाबा का कैंप लगा हुआ है। वहां पर हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से वे लकवाग्रस्त लोगों का इलाज कर रहे हैं और बाबा से बात भी करना चाहेंगे किस तरीके से ये इलाज कर रहे हैं और कितने लोगों का अब तक ये इलाज कर चुके हैं। ये कितने लोगों का इलाज कर दिया अभी आपने? अभी तक मैंने करोड़ों आदमी का इलाज कर दिया। अभी ये लकवाग्रस्त लोगों का इलाज कर रहे हैं? हाँ, अभी तो मैं लकवा वालों को देख रहा हूँ। ठीक है, और अभी ये देख रहे हैं कि ये इलाज कर रहे हैं और ये चलते हुए जा रहे हैं। हाँ, माता जी चलाती है ना, मैं तो उसकी जो नसें ब्लॉक होती है वो नसें खोल देता हूँ, वो आदमी खड़ा होकर चल के यहाँ से जाते हैं। कुवारिया में जहाँ पर फियावरी में कंबल वाले बाबा का कैंप लगा है, जहाँ पर दूर दराज से अपने मरीज आ रहे हैं और अपने उपचार की आस लगाकर यहाँ कैंप में कम से कम 5 दिन रुकते हैं। तो वहीं यह बाबा का कहना है कि 15 दिन तक यह कैंप रहता है, अगर ज्यादा भीड़ होती है तो उसे ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। बता दें कि यह जो कंबल वाले बाबा है इनका पूरा नाम गणेश भाई है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के पाली, चित्तौड़, सिरोही और अब राजसमंद में दूसरी बार यह कैंप लगाया है। तो वहीं यहाँ के लोगों से बात की गई तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें कुछ आराम मिला है, तो कईयों ने यह कहा है कि हमें बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। इलाज कराने आए लोगों से बात की तो कुछ ने बताया कि 5 दिन रुकने के बाद भी हमें कोई आराम नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी सुनील पासवान ने बताया कि बाबा जी का शिविर मुझे समझ नहीं आ रहा है और मुझे किसी तरह का कोई आराम नहीं मिल रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश निवासी राम सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैं मेरे बच्चे को यहाँ पर लाया था जो कि चल नहीं पाता है, 5 दिन शिविर में रुकने के बाद थोड़ा फर्क महसूस हुआ है। मुझे कोई भी यहाँ समझ में नहीं आ रहा है और मैं कई जगह दूसरी जगह पे आया हूँ। एक जगह पर मैं वहाँ पालड़ी में गया था, वहाँ से भी 1-2 दिन था और मेरे को समझ में नहीं आया था। वहाँ से फिर बाबा ने वहाँ से चले गए कि भाग के भगवान जाने, लेकिन फिर वहाँ से मैं यहाँ चला आया गाँव।
फिर अब दोबारा मैं यहाँ आया राज समंदर के पास, तो यहाँ मैं देखा लेकिन कुछ मेरे समझ पल्ले नहीं पड़ रहा है, इसी वजह से मैं ये कह रहे हैं कि 5 दिन रुकना भी पड़ेगा कैंप में। 5 दिन तो रुकना पड़ेगा, अभी मेरे कई मित्र इसमें है ना, तो लोग 5 दिन मतलब रुके हैं और आज 5वां दिन है, तो उन उसका बच्चा भी हमारे देश में। तो 5 दिन में क्या पूरा सही होकर जा रहा है? नहीं 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 सही नहीं हुआ है ना, मेरे बच्चे को पहले जो पैर सीधे नहीं थे कड़कपन हो गए थे, तो अब जो मैं तीसरा शिविर में आया हूँ, जब से मेरा बच्चे को मैं लेके आया राजसंबंध चार भुजा से जो शिविर चालू किया था, जब से मेरे बच्चे के पैर सीधे होने लगे। शिविर का जब जायजा लिया तो वहाँ पर पता चला कि शिविर में उपचार के लिए आने वालों के लिए शिविर में जगह जगह दान पेटी भी रखी हुई है, जहाँ पर हजारों की संख्या में आने वाले लोग 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का दान कर रहे हैं। तो वहीं उपचार के नाम पर कंबल वाले बाबा ने हवन की भी व्यवस्था की हुई है, जहाँ पर इसका अलग से कैंप लगा हुआ है और यहाँ पर लगभग 9 से 10 हवन कुंड बने हुए हैं और हवन करने की फीस 500 रुपए तय की हुई है। हालांकि फिर भी लोग एक उम्मीद लेकर यहां पहुंच रहे हैं, हालांकि हम ऐसा कोई भी दावा नहीं करते कि कंबल से मरीजों को ठीक किया जा सकता है या नहीं, ये लोगों की आस्था और विश्वास का विषय है। ये बाबा जी का कहना है कि मैं ये सब जो है ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मैं इनके जो नशे हैं उनको ब्लॉक खोल रहा हूँ। इनका पूरा नाम बता दें, इनका पूरा नाम गणेश भाई है, जो कि महाराष्ट्र राजस्थान में कई राजस्थान के कई जिलों में कैंप लगा चुके हैं। देवेंद्र शर्मा जी, मीडिया राजसमंद। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।